फतेहाबाद सीएचसी पर जमीन पर तड़पते मरीज और नदारद मिले डॉक्टर के वीडियो वायरल होने के मामले में जांच शुरू हो गई है, जिसको लेकर सीएमओ अरुण कुमार फतेहाबाद स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। पहुंचने के बाद केंद्र प्रभारी समेत डॉक्टर और स्टाफ से पूछताछ की, साथ ही मौके पर पहुंचने के बाद स्टाफ से घटनाक्रम की जानकारी ली गई और घटना की सही स्थिति जानने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले गए। फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरीज के जमीन पर पड़े होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में उप मुख्यमंत्री द्वारा सीएमओ को जांच कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए गए थे, जिसकी जांच के लिए रविवार को आगरा के सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों के बयान लेकर प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। द्वारा निर्देश किया गया है, आदेश दिया गया था जांच के लिए। संबंध में आज हम हमारे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मेरे द्वारा यहाँ पे जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टा तो ये लग रहा है कि जो चिकित्सक इस समय ड्यूटी पे थे वो दूसरे चिकित्सक को बताकर चले गए। उस दौरान जब तक वो आए, इस बीच ये पेशेंट आ गए हैं। बाकी लोगों का, उस पेशेंट का बयान और जो पुलिस लेके आई उसका बयान लिया जा रहा है। संबंधित कर्मचारी और चिकित्सकों का भी बयान लिया जा रहा है और जो भी व्यक्ति या जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और स्थायी पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सुरक्षा भी यहाँ पे मजबूत। सर, सीसीटीवी कैमरे में उनके आने का कई घंटे का बैकअप है, तो सर उसमें भी दिखता नहीं? तो ये इस बात का बिल्कुल संज्ञान में लिया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को इस तरह का अस्पताल जहाँ पे इमरजेंसीज आती हैं वहाँ पे इस तरह बिना स्थानीय को आए उस अस्पताल नहीं छोड़ना चाहिए। तो अवश्य रूप से ये बात अगर सिद्ध होती तो उनके विरुद्ध। हम आपको बताते चले कि उस वीडियो ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कई बड़े सवाल खड़े किए थे। इस मामले में डॉक्टरों की लापरवाही बताई गई थी, परंतु मौके पर चिकित्सक मौजूद थे, साथ ही चिकित्सकों द्वारा उस मरीज का इलाज भी किया गया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक द्वारा प्रकरण पर संज्ञान लिया गया तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा को जांच कर रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए थे। रविवार को सीएमओ अरुण कुमार श्रीवास्तव स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां परिसर में एक ठेल डकैत लगी होने पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई तथा उसे बाहर निकलवाने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने अधीक्षक को निर्देश दिए कि यदि परिसर में व्यवसायिक गतिविधियां पाई गई तो दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके बाद उन्होंने अधीक्षक कक्ष में जाकर अधीक्षक तथा मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की तथा उनके बयान दर्ज किए। सीएमओ डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने पत्रकारों को बताया कि पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, साथ ही यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने अधीक्षक डॉक्टर बी के सोनी को निर्देश दिए कि परिसर में किसी भी कीमत पर व्यवसायिक गतिविधि संचालित न करने दी जाए, यदि कोई जबरन व्यवसायिक गतिविधि संचालित करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इस दौरान अधीक्षक बी के सोनी, डॉक्टर अनुज गांधी, डॉक्टर प्रमोद कुशवाहा समेत अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।